चंडीगढ़ को खूबसूरत और हरा भरा बनाने के लिए प्रशासन जो है हर तरह से प्रयास लग रहती है। लोगों से भी रिक्वेस्ट करती है कि वो अपने आसपास की सफाई को बनाए रखें, पार्कों को और सुंदर बनाएं, अपने घर की सफाई रखेंगे तभी शहर को और ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। इसी के चलते आज हम पहुंचे हैं सेक्टर 32 में, जहां पर हमारे साथ हैं रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान हैं जगदीप महाजन जी। आइए उनसे हम जान, वो कारण रहा कि इन्हें आज MC में जाकर अपनी दरखास्त को फिर दोबारा देनी पड़ी, जो कि 10 तारीख को ये गए थे अपनी एप्लीकेशन को लेकर कि हमें पार्क दिए जाए, लेकिन फिर भी कुछ हुआ है जो जिस कारण आपको पार्क नहीं मिला है, जो आपके मन में रहा है मुटाव, तो उसके बारे में बताइए कि क्या ये रही आपकी। सर, ऐसा है कि अपना आप यहाँ की पहले तो पार्कों की हालत देख लीजिए कि पार्कों की हालत बद से बदतर हो गई है। अब जब नई सरकार बनी थी तो लोगों को बहुत उम्मीद थी कि अपना अब आप पार्टी की बन गई है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सफाई होगी, जैसे कि उनकी इमेज बनी थी, लेकिन इसके उलट ये हुआ कि भी अपना पार्कों की हालत बदतर होती गई। तो यहाँ की रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने कहा कि चलो हम खुद जिम्मेवारी उठाते हैं, हम इसको बढ़िया बनाएंगे। लेकिन इसी को लेके मतलब मैंने यही सुना है कि जब आपने किसी का अगर कोई पार्क लेना हो तो MC ये कहता है कि जो रेजिडेंस है उस रेजिडेंस एसोसिएशन को रजिस्टर्ड होना जरूरी होता है, तो क्या आपकी वो रजिस्टर्ड है? तो जी, हमारी एसोसिएशन रजिस्टर्ड है, तो उसके लिए 10 जनवरी को हमने हमारी जॉइंट रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन सेक्टर 32 देती है, तो 10 जनवरी को हम अपनी एप्लीकेशन लेके गए। बकायदा हमने सारे डॉक्यूमेंट लगाए, वहाँ के XCN है जंगशेर जी, उनको हमने अपना एप्लीकेशन दी, तो उन्होंने बड़ी खुशी से कहा कि ठीक है जी, अच्छा है, आप अच्छा काम कर रहे हो, हम आपको ये पार्क दे देंगे। तो हमने 32 और 33 के पार्क अप्लाई किए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम आपको सारे नहीं दे सकते, हम आपको 32 के देंगे। तो इन बिटवीन 12 तारीख को यहाँ की एक एसोसिएशन और रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन 32D, तो उन्होंने भी अप्लाई कर दिया। तो फिर थोड़ा सा प्रोसेस चलने लगा, तो उन्होंने कहा जी हमारे पास 9 पार्क है, 5 हम उनको देंगे, 4 आपको देंगे। हमने कहा चलो ठीक है, मिलजुल के काम करते हैं। इन बिटवीन यहाँ के जो काउंसलर हैं मैडम अंजू कटियाल, उनके कोई अपना पड़ोसी हैं, उनकी एसोसिएशन की बारी हमें सुनने को मिली कि भी वो भी आ रहे हैं, तो वहाँ के जो JE हैं हरिमोहन जी और SDO अंग्रेज सिंह जी, उन्होंने कहा कि अब 3 एसोसिएशन आ गई हैं, तो हम आपको तीनों को 3-3 दे देंगे। हमने कहा चलो ठीक है। अब 3 महीने बीतने के बाद हमें पता चला कि भी वो 9 के 9 पार्क अंजू कटियाल जी के जो अपना पड़ोसी हैं उनको अलॉट कर दिए गए। मतलब क्या कारण क्या रहा कि इसमें 9 के 9 को दे दिए? रजिस्टर्ड है, मतलब फॉर्मेलिटीज आपकी पूरी है, फिर भी वो पार्क उनको दिए गए, तो आप क्या समझते हैं इसका क्या कारण रहा है? तो उसका कारण ये हुआ कि हमें ये कहा गया कि आपकी जॉइंट रजिस्ट्रेशन है कि वो हम आपको नहीं दे सकते, इसलिए हम आपकी प्रपोजल रिफ्यूज कर रहे हैं। तो मैंने कहा 3 महीने पहले जब हमारी एप्लीकेशन ली थी तब क्या उनको पता नहीं था कि हमारी जॉइंट रजिस्ट्रेशन है? तो फिर उसके बाद जो दूसरी एसोसिएशन है उसका भी उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। फिर हमें जब हमने इन्वेस्टिगेशन की तो हमें पता चला कि वो उनके पड़ोसी हैं, और आज वो एक राजनीति के मद्देनजर उन्होंने MC के अधिकारियों पे प्रेशर डाला, जिसके कारण उन्होंने 9 के 9 पार्क उस बंदे को दे दिए जिसको कोई अभी तक का एक्सपीरियंस नहीं है, और बिल्कुल वो अपना इस काम में न्यू है। तो इस कारण हमारे 32 सेक्टर के रेजिडेंट्स आज हम इकट्ठे होकर SC कृष्ण पाल जी के पास गए थे, तो हम इससे पहले भी उनसे मिल चुके हैं, तो उन्होंने कहा जी नहीं जी, आपकी तो एसोसिएशन गलत है। तो इस बात का हमें बहुत दुख है कि आज MC और मैडम जो कि हमारे कमिश्नर है जिनका बड़ा नाम है, तो हम उनके पास रिक्वेस्ट के लिए गए थे लेकिन वो हमें मिले नहीं। तो हमें अधिकारियों पे बहुत भरोसा था कि वो हमें इंसाफ करेंगे, लेकिन उन्होंने तो ये कह के पल्ला झाड़ दिया कि आपकी तो एसोसिएशन ही अपना मतलब हम इसको मानते नहीं, हम आपको नहीं दे सकते। मतलब जो पहले 3-4 महीने तक जो पहले सही थी वो अब गलत हो गई है, किसी के दबाव में आके गलत हो गई। हाँ, इस बात को मुझे कहने में कोई ग्रेज नहीं है कि MC प्रशासन टोटली दबाव में काम कर रहा है। एक तरफ तो वो कहता है कि शहर के पार्कों को सुंदर बनाओ, लेकिन दूसरी तरफ जबकि वहां के पार्षद काम नहीं कर रहे फिर भी वो उन्हीं को पार्क अलाट कर रहे हैं और शहर को और गंदा बनाने में पूरा योगदान दे रहे हैं। तो इसके बाद आपने जब आज भी आपने मीटिंग करी है उनके साथ पार्क को लेकर, तो आपने उनसे लास्ट क्या बात रही आपको कि किस तरह से अब वो पार्कों को बराबर देंगे या फिर वैसे ही रहेगा? ये नहीं, उन्होंने हमें रिफ्यूज कर दिया है, इसलिए हम आज कमिश्नर मैडम को भी कंप्लेंट दे के आए हैं, और हम पूरे 32 सेक्टर के नागरिक हम अपना एडवाइजर साहब के पास भी जाएंगे और हम इसका पूरा आंदोलन भी करेंगे कि ये जो धक्केशाही की जा रही है इसको खत्म किया जाए और किसी पार्षद के दबाव में ना आके सभी रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन को बराबर से बांटा जाए।
अभी जो है यहाँ पर दो एसोसिएशन है, एक तो रजिस्टर मतलब जुड़ी हुई है, दोनों रजिस्टर्ड है, एक तो 3230 ज्वाइंट हो गई, एक और है जो मतलब आपके जो काउंसलर है उनके रिश्तेदार ने के नाम से करवाई गई, मतलब तीन हो गई है यहाँ पे। तो क्या एक काउंसलर जो है अपना अपने बिहार पर भी एक पार्क की रखरखाव कर सकता है? नहीं, काउंसलर का मतलब होता है कि वो सिर्फ अपना सुपरविजन करेगा, लेकिन जो एमसी का रूल है उसके अगेंस्ट उसमें तो यही होता है कि एक रेजिडेंस वेलफेयर से रजिस्टर्ड होनी चाहिए। तो अगर एक सेक्टर में चार हैं तो एमसी चारों को बराबर देगा, ये नहीं करेगा कि वो एक ही को सारे दे देगा। ये तो शरेआम भेदभाव नजर आ रहा है और दिख रहा है कि प्रशासन दबाव में आके काम कर रहा है। आज जो हमारे एक्सियन से जंगशेर जी, वो भी अपना उन्होंने भी रिफ्यूज कर दिया है, एससी साहब ने भी रिफ्यूज कर दिया। तो हमें मतलब इस बात का बहुत दुख है कि हमें अपना एक पार्टी जो सत्ता में है वो अपनी पावर का मिसयूज कर रही है, और जिसके कारण आप खुद ही देख सकते हो कि हमारे पार्कों का क्या हाल हो गया है। अगर इसको लीगल तरीके से चले देखे तो एक वेलफेयर एसोसिएशन को रजिस्टर्ड कितने टाइम होना चाहिए, उसका रजिस्ट्रेशन हुआ हुआ ना? कितना टाइम का नहीं होता, रजिस्टर्ड होनी चाहिए। रजिस्टर्ड होनी चाहिए कि वो पुरानी है या नहीं है, इससे कोई वो इससे नहीं फर्क पड़ता, ये तो एमसी का रूल है। लेकिन उन्होंने हमें तो टोटल ही रिफ्यूज कर दिया कि भी हम आपके एसोसिएशन को मानते ही नहीं है, ये हमारी पॉलिसी में नहीं है, और जो कि शरेआम लिख रहा है कि भी ये एक पूरा भेदभाव है, धांधलेबाजी हो रही है। आपकी जो एसोसिएशन है वो लीगल नहीं है, वो अब तीन महीने बाद अब लीगल नहीं रही, जो कि तीन महीने पहले लीगल थी वो अब लीगल नहीं रही है। आपने ये सवाल किया कि जो जिन्होंने जिनको आपने अब दिए हैं नौ के नौ पार, क्या उनकी एसोसिएशन रजिस्टर्ड? उनकी अभी 10 दिन पहले रजिस्टर्ड हुई है जी। तो आपकी तो बहुत पुरानी चल हमारी पुरानी है जी, उनकी अभी रजिस्टर्ड हुई है। एक एसोसिएशन जो अपने पार्क को अपने सेक्टर को खूबसूरत बनाना चाहती है, उससे भी नगर निगम जो है नजरअंदाज कर रहा है, दबाव में आकर पार्कों को बांटा जा रहा है। आप क्या कहते हैं कि एक काउंसलर अगर इस तरह से करता है, या एक रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन अगर कोई काम करना चाहती है, रख रखाव करना चाहती है, तो क्या उसको सपोर्ट मिलनी चाहिए? क्या प्रशासन को उसके साथ, नगर निगम को उसके साथ देना चाहिए? आप हमें कमेंट्स में लिख के बताइए। धन्यवाद।